पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबा रवान का कहना है कि बंद कमरों में इमरान खान के कत्ल की साजिश बनाई गई है, अगले 24 घंटे के अंदर इनकी जान को शदीद खतरे लाहक हैं। पीटीआई रहनुमा बाबा रवान ने अपने वीडियो पैगाम में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद आने की इत्तला देते हुए कहा कि पाकिस्तान की हालिया तारीख के इंतहाई अहम घंटे शुरू हो गए। इन 24 घंटों के अंदर इमरान खान की जान को शदीद खतरा लाहक है। जो खतरात उसको लाहक हैं वो सबसे ज्यादा ये जो आने वाले 24 से 48 घंटे हैं, ये आप जहन में रखिएगा और फिर आप बनी गाला को जहन में रखिएगा। मैं पूरी कौम से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, कभी कभी लम्हे ऐसी खता करती हैं कि जिनकी सजा सदियां वो करती हैं, तो इसलिए जागना होगा सबको। उन्होंने आवाम इदारों और इंसानी हकूक की तंजीमों को मुखातिब करते हुए कहा कि कुछ ऊंची दीवारों और बंद कमरों के पीछे इनके कत्ल की साजिश हो रही है। मुसद्दिका इत्तला'आत के मुताबिक बनीगाला के अतराफ कुछ लोग देखे गए। गैर सरकारी हलकों का कहना है कि रात के वक्त इमरान खान के घर धावा बोला जाएगा और इस दौरान इनकी जान लेने का खदशा है। बाबा रवान ने कहा कि इमरान खान को सबसे ज्यादा खतरा आने वाले 24 से 48 घंटे में होगा। कौम कल की रात को बनीगाला को जहन में रखें, कभी कभी लम्हे ऐसे खता करते हैं जिनकी सजा सदियां भुगतती हैं। सबको जागना होगा, आवाम को भी, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी। इदारे इमरान खान की जान की सलामती और तहफ्फुज के लिए इकदाम करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।